बैकग्राउंड में स्टार्ट। सर आप आज नागपुर आए, कैसा लग रहा है वापस अपने होम टाउन में आकर? होम टाउन में जाके कैसा लगता है? अपनी खुशबू, अपनी मिट्टी, और आज मैं 9 साल से बॉम्बे में हूँ, तो फील्स वेरी गुड टू बी बैक नागपुर, रिलैक्स्ड मोड। जब मैं नागपुर आता हूँ तो आई स्टॉप माई जिम, माई अदर स्केड्यूल्स, मीटिंग्स एंड ऑल। सबसे छुटकारा था कि माँ की गोद में हमेशा सर रख के सर। सो फील्स वेरी गुड टू बी नागपुर, बिकॉज कहते हैं ना, हर इंसान की जड़ें जहाँ से जुड़ी होती हैं वहीं पर उसको सुकून मिलता है। मुझे दुनिया के किसी भी कोने में ले जाया जाए पर मुझे सुकून नागपुर में, इट्स वेरी स्पेशल। अमेजिंग, the girls were really excited. I was very happy to see the enthusiasm and the way they welcomed me, the way they loved me, the shout, the love, it was amazing. And मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि आज से 15 साल पहले ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं होते थे जहाँ बच्चों को इतनी ग्रोथ मिले या एक दिशा मिले ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, कुछ नया सीखने की। और क्रिएटिविटी से तो हम सब जुड़े हुए हैं, तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम एंड ऑल द अदर डायरेक्टर्स एंड यू नो द ओनर्स, दैट उन्होंने बच्चों को एक एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो कुछ नया सीख सकें। बहुत हम लोग क्या हैं, हम लोग हैं क्या एक्चुअली, हम इंसान सब एक जैसे हैं, ये हमें खूबसूरत बनाते हैं इन कपड़ों से, तो इनकी मेहनत उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारा खुद का चार्म, एक इंसान का चार्म। सो आई एम रियली ग्लैड टू सी सच एन इंस्पायरिंग, यू नो आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय दीज किड्स, कि ये लोग इतने खुश थे और इनसे सीखने भी मुझे बहुत कुछ मिला। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इनमें से कभी ना कभी मैं दुआ करता हूँ कि सारे ही अपने अपने मुकाम में एक ऐसा मुकाम हासिल करें अपने अपने तरीके से कि इनकी ज़िंदगी। देखिए, मैं आज 10 साल से बॉम्बे में इस फील्ड में हूँ, और सबसे पहली चीज़ जो कहता हूँ सारे बच्चों को जब मुझे कॉल्स आते हैं नागपुर से, मैं कहता हूँ सबसे पहले कि आपके माँ बाप खुश हैं आपके इस डिसीशन से, क्या आप उनकी मर्जी से आ रहे हैं? क्योंकि दुनिया का कोई भी काम अगर जब आप ये देखेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी काम माँ बाप की मर्जी के नाम कीजिए कभी पूरा नहीं। तो पहली चीज़ तो ये, सेकेंडली एक्टिंग इज़ वेरी वास्ट, सो इट्स नॉट कि अगर आप बहुत अच्छे दिखते हैं या आपके डांसिंग स्किल्स हैं, एंडलेस है एक्टिंग, सो यू हैव टू कीप लर्निंग। मैं अभी भी रात में 3-3 बजे नींद से उठ के डायलॉग्स प्रैक्टिस करता हूँ। आपको पता, एक लुक भी होता है ना, वो भी एक्टिंग। तो एक्टिंग को जस्ट टाइम पास लेके, कि जस्ट बिकॉज वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी पीपल ऑन स्क्रीन एंड वी सी द फेम ऑफ पीपल, यू नो, तो हम बहुत ज़्यादा उसमें चार्म देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ऑफकोर्स सपने देखने चाहिए, सपने नहीं देखते तो मैं भी नहीं देखता तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँचता। पर सोच समझ के अपना करियर इसमें बनाएं, मेहनत करें, मेहनत के बिना कुछ नहीं। नागपुर, आई एम रियली हैप्पी टू बी हेयर। और नागपुर आके तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी का सारा स्ट्रेस ख़त्म हो गया। आई वॉन्ट टू से दैट हम आप ही में से कोई किरदार उठा के हर नए नए शो में या फिल्म में प्ले करते हैं, आप ही के किरदारों से हम सीखते हैं। तो आई एम ग्लैड कि इतने सारे रंग हैं दुनिया में, कि हम इतने सारे रंग जी सकते हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स जी पाते हैं आपकी बदौलत। थैंक यू वेरी मच, कीप लविंग ऑलवेज, एंड आई कीप सीइंग माय इंस्टाग्राम मैसेजेस फ्रॉम नागपुर एंड ट्विटर एंड ऑल। तो इतना सारा प्यार नागपुर से मिलता है, और जब लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि वी आर प्राउड ऑफ यू, सो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट यू आर प्राउड ऑफ। थैंक यू।